बैक अगेन ट्रैवल विद ज़फ़र के ब्लॉग पे। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम जाने लगे हैं डेजर्ट सफारी, और डेजर्ट सफारी का आज आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल हम अपनी जर्नी का यहाँ से आगाज़ करने लगे हैं। ये बिल्कुल हमारे घर की रिसेप्शन, नीचे रिसेप्शन की जगह है। यहाँ से हम अभी बैठने लगे हैं अपनी एक खूबसूरत सी गाड़ी में, गाड़ी जिसमें हम आज जाने लगे हैं, दैट इज़ निसान पेट्रोल। तो चले चलते हैं और अपने आज इस व्लॉग का, दुबई डेजर्ट सफारी का जो है वो हम आज यहाँ से आगाज़ लेते हैं। चलिए ज़ारून चलते हैं और अपने आज के इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट सफारी की एक फ़र्स्ट लोकेशन पे। अभी हम अंदर जाने लगे हैं, देखते हैं कि यहाँ हमें डेजर्ट सफारी के हवाले से क्या क्या एक्सपीरियंस मिलेगा और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको हम आज के इस व्लॉग में कंप्लीट जो है वो डेजर्ट सफारी का एक ओवरव्यू देंगे। ये हम फर्स्ट लोकेशन पे आ पहुँचे हैं डेजर्ट सफारी की, और यहाँ देखते हैं कि हमें आज क्या क्या एक्टिविटीज़ मिलने जा रही हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहां पहुंच चुके हैं और डेजर्ट सफारी की इस एक प्यारी सी लोकेशन पे। अब यहां पे हम लोग जो है वो क्वाड बाइक चलाएंगे। यहां सिंगल वाली भी है, डबल वाली भी है, सारी की आपको हम डिटेल देते हैं अभी थोड़ी सी देर में। अगर आप सिंगल चलाना चाहते हैं तो सिंगल भी आप चला सकते हैं, अगर आप डबल चलाना चाहते हैं तो डबल भी चला सकते हैं। चार लोगों की भी है, अगर चार लोगों ने मिलके चलानी है तो वो भी चला सकते हैं। उसकी डिटेल हम आपको अभी देते हैं कुछ ही देर में। और आधे घंटे का यहाँ हमारा स्टे होगा, यहाँ हम क्वाड बाइक चलाएंगे रेड डेजर्ट में, और उसके बाद फिर यहाँ से हम एक अलग नई लोकेशन पे जाएंगे डेजर्ट सफारी की, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी क्वाड बाइक की तरफ और आपको उसका एक्सपीरियंस दिखाते हैं। देखें, ये जो आपको नीचे येलो कलर की नज़र आ रही है ये सिंगल में है, ये ब्लू भी सिंगल में है, और ये येलो जो है ये भी सिंगल में है, और ये जो नज़र आ रही है आपको ये डबल में है, ये भी डबल में है, और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ये चार लोगों की है। तो रेट्स के हवाले से भी हम आपको गाइडलाइंस दे देंगे। और ये आप देख सकते हैं, इसमें पिक्चर वाइज भी हम दिखा देते हैं। ये देखें, जैसे ये डबल है तो डबल ऐसे आप बैठ सकते हैं, और सिंगल वाली जो है वो सिंगल में आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये कुछ लोगों की पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ लगी हुई हैं क्वाड बाइक्स पे। तो चलें हम भी इसका एक्सपीरियंस लेते हैं और आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गाइस, ये देखें, ज़ारून आ गए हैं क्वाड बाइक चलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं सारी क्वाड बाइक्स खड़ी हुई हैं, अभी इस पर हम बैठने लगे हैं और चलाने लगे हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कि मैं और ज़ारून क्वाड बाइक पर बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। असल चलाते हुए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है इसमें। तो ये अभी एक जगह पे हमने बीच में रोकी है, बिल्कुल डेजर्ट के बीच में, और हम आपको एक क्लिप बना रहे हैं। ज़ारून देखें मेरे साथ बैठे हुए हैं पीछे, और क्वाड बाइक को हम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और पूरा रेड डेजर्ट है ये, और इस रेड डेजर्ट में हम ये चला रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमें ये तकरीबन हाफ़ एन आवर, आधे घंटे के लिए मिली है, और इसके जो चार्जेस हमने पे किए हैं वो 250 दिरहम पे किए हैं जस्ट फॉर 30 मिनट्स, और इसी में अगर आप सिंगल लेते हैं तो वो 150 दिरहम की आपको मिलेगी।
और अगर चार लोगों की लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन 1000 दिरहम की आपको पड़ेगी। तो हमने ये 250 वाली ली है जिसमें हम दोनों बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और चलाते हुए हम बना नहीं सकते इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है। तो चलिए हम मज़ीद भी इसका इंजॉय करते हैं और आपके साथ इसका एक्सपीरियंस एंड में फिर शो करते हैं। डुअल बाइक, डुअल बैशिंग कर रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ड्राइव कर रहे हैं और इस डेजर्ट में ये चला रहे हैं और अच्छी ड्राइव करते हुए। ये आप देख सकते हैं रश यहाँ पे गाइस कितना है, और ये सामने से चलाते हुए ये भी ला रहे हैं, ये देख सकते हैं, और बेहतरीन डुअल बैशिंग करते हुए। और ये ज़ारून ने यहाँ आके रोकी, तो मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटियाँ यहाँ करने को मिलेंगी। ये रेड सी है, रेड डेजर्ट है बेसिकली, और ये लोगों का रश आप देख सकते हैं। ज़ारून भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे चला रहे हैं, और ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर चल रही हैं। तो चले मज़ीद भी हम आपको एक्सप्लोर करते हैं। ज़ारून खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और बाइक चला रहे हैं ये, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाते हुए इसको। जैसे मैंने आपको बताया था 30 मिनट्स का टाइम हमें मिलता है इसको चलाने के लिए, और मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये डुअल बैशिंग भी हो रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं रेड डेजर्ट में, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ भी हम जाएँगे, इसका भी एक्सपीरियंस हम आपको दिखाएँगे। तो यहाँ से फ्री होके फिर हम इस जगह पे जाएंगे और इस गाड़ी में जो कि निसान पेट्रोल है उसमें हम करेंगे डुअल बैशिंग भी। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये डुअल बैशिंग का कॉर्ड बाइक पे? तो अब यहाँ से हम चलने लगे हैं, जो हम अपनी गाड़ी में डुअल बैशिंग करेंगे अब हम वहाँ जाने लगे हैं, और वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो ज़ारून भी हमारे साथ ही होंगे। कॉर्ड बाइक्स का तो आपने देखा यहाँ कितनी सारी खड़ी थी, हमने आपको एक्सपीरियंस भी दिखाया, ज़ारून ने भी चलाई माशाल्लाह से। और अभी हम चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का दिखाते हैं कि गाड़ी में डुअल बैशिंग कैसे होगी और उसमें कितना मज़ा आने वाला है। और उसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा और मज़ीद बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको सामने नज़र आने वाली है अभी। तो चलिए आगे चलते हैं और गाड़ी की डुअल बैशिंग भी आपको दिखाते हैं। डुअल बैशिंग हमारी जो है वो अभी स्टार्ट होने लगी है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कॉर्ड बाइक के बाद हम अभी डुअल बैशिंग करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रॉ में खड़ी हुई हैं, और अभी बस कुछ ही लम्हों में हमारी ये डुअल बैशिंग स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी में, और हम आपको दिखाएंगे। रियल एक्सपीरियंस तो आपको तभी मिलेगा जब आप ख़ुद यहाँ बैठेंगे इसमें और इंजॉय करेंगे। वैसे देखते हैं कैमरे की आँख आपको कितना इंटरटेन करवाती है। तो ये स्टार्ट हो चुकी है गाइस हमारी डुअल बैशिंग, सो लेट्स इंजॉय डुअल बैशिंग।
सकते हैं डुअल बैशिंग आप इंजॉय कर रहे होंगे। जारून हमारे साथ हैं, निसान पेट्रोल इस गाड़ी में हम जो है वो डुअल बैशिंग कर रहे हैं और यकीनन आप इंजॉय करेंगे। ये बिल्कुल बीचों बीच डेजर्ट ये हम रुके हुए हैं, ये चारों तरफ जहां जहां तक आपकी आंख जा रही है देख सकते हैं लोगों का रश लगा हुआ है। जगह जगह पर लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ रुके हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ के बेहतरीन मनाजिर। जितना भी हम जूम करें आपको यहाँ पे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे, तो यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे और हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और पहले भी हम आ चुके हैं मगर अनफॉर्चुनेटली व्लॉग कोई नहीं बना सके थे। और ये आप देख सकते हैं जारून बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए और ये गाड़ियाँ भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर लोग चला रहे हैं इस तरह की। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का ये डुअल बैशिंग? यकीनन आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और हमने तो यकीन करें बहुत इन्जॉय किया। स्केरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्केरी है मगर क्या करें मज़ा भी उस हिसाब से आता है। तो ये कि हमने बेहतरीन इन्जॉय किया और इन्जॉय कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें मिलने जा रही हैं। ये तो जस्ट डुअल बैशिंग थी, हमने क्वाड बाइक में की और गाड़ी में की। अभी आगे चल के भी आपको यहाँ पे जो इंटरटेनमेंट्स के प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो आपको दिखाएंगे, खाने में हमें यहाँ क्या मिल सकता है वो हम आपको दिखाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस होगी, तो बहुत कुछ होने जा रहा है इस व्लॉग में आगे। तो हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा, हम आगे भी चल के आपको मज़ीद इंटरटेन करते हैं। डुअल बैशिंग करते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और जैसे कि एक गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है अपनी टॉप पे और इस गाड़ी में हम आए हैं निसान पेट्रोल। और ये देख सकते हैं दूर दूर तक डेजर्ट, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ये डेजर्ट फैली हुई है और जारून इन्जॉय कर रहे हैं। और यकीनन आप भी यहाँ आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये एक इनका ट्रेडिशनल, जिसे आप कह लें कि दुबई में जो सबसे फेमस है डेजर्ट सफारी का, आपने सुना ही होगा। और मज़ीद यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी आपको मिलने जा रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ, जहाँ पर हमें लाइव इंटरटेनमेंट्स मिलेंगी और जहाँ डिनर हमारा होगा। अब यहाँ से हम जो है वो वहाँ मूव होने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से और आपको वहाँ के भी बेहतरीन मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जारून माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मिट्टी में खेल रहे हैं और ये मिट्टी बिल्कुल पैरों को नहीं लगती है। और चलिए जी चलते हैं, हम आपको वहाँ के बेहतरीन मनाजिर भी दिखाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें किस किस तरह की इंटरटेनमेंट मिलने जा रही हैं।